गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास वंस अगेन। आज हम संचयन पाठपुस्तक से पांचवीं पाठ भाग एस के पोट्टेकाट, प्रसिद्ध मलयालम नॉवलिस्ट एस के पोट्टेकाट के हामिद खान नामक पाठ पढ़ेंगे। पहले कवि परिचय। एस के पोट्टेकाट मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार एस के पोट्टेकाट का पूरा नाम शंकरनकुट्टी पोट्टेकाट था। इसका पूरा नाम, फुल नेम ऑफ एस के पोट्टेकाट, शंकरनकुट्टी पोट्टेकाट था। उनका जन्म केरल के कालीकट में हुआ था। केरल के कालीकट में उनका जन्म हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वे साहित्य सृजन में लिखाए गए। पोट्टेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोट्टेकाट को पूरी सफलता मिली है। उनकी कहानियों से विश्व बंधुत्व और भाईचारा का संदेश मिलती है। कथाकार पोट्टेकाट को साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियों का विश्व के अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम शिशु, विषकन्या और मूडुपटम है। वो एक संचार प्रिय है। स्टूडेंट्स, पाठ भाग शुरू करेंगे। इसमें लेखक हिंदू मुस्लिम की एकता के बारे में वर्णन किया गया है। हिंदू मुस्लिम की एकता के बारे में इस पाठ में लेखक को जब तक्षशिला पाकिस्तान में किन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा आग लगाया जाने का समाचार मिलता है तो लेखक वहां के अपने एक मित्र और उसकी दुकान की चिंता होने लगती उसके मन में, क्योंकि उस मित्र की दुकान तक्षशिला के काफी नजदीक थी। इस पाठ में लेखक अपने उस अनुभव को हम सभी के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान देखने गया था और भूख और कटकड़ाती धूप से बचने के लिए कोई होटल गोच रखा था। होटल को गोचते हुए लेखक जब हामिद खान नाम के व्यक्ति की दुकान में कुछ गाने के लिए रुकता है तो जो भी वहां गड़ा लेखक ने उसे एक लेख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हामिद खान के दुकान में बहुत भूख होने के कारण इसके पोट्टेकाट बहुत देर को हो गया। उसी समय वो एक होटल देखा, भोजन खाने के लिए वो उस दुकान में गया। उस दुकान की व्यक्ति का नाम क्या था? हामिद खान। हामिद खान की कहानी के बारे में इस कथा में लेखक वर्णन किया गया है। उसके संबंध के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। शिलान में पाकिस्तान में आप जिन्हें समाचार पत्र की एक खबर पढ़ते है मुझे हामिद का याद आया। मेरे भगवान से विनती है कि विनती प्रार्थना, हे भगवान मेरे हामिद खान के दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। सभी दो साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक गढ़घर देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप दूसरी और भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब पौन मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकाल पड़ा। हस्तरे गांवों के समान फैली गिरियों से भरा तंग बसा, जहाँ कहीं नसर पड़ी धुआं मच्छर और गंदगी से भरी जगह है देखी। कहीं कहीं तो सटे हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लेपे कद के पडान अपने सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहाँ चपातियां सेंकी जा रही थी। चपातियों की सौदी महके मेरे पाव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गया। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट की रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर चुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया वो अपनी हथेली पर लगे आटे को बेलना चाहता मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के भाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। गाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा।
मैंने उस व्यक्ति को धीमी आवाज में पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? चपाती और सालन, उन्होंने उत्तर किया। चपाती और सालन, सालन मीन्स सब्जी करी। वहां बैठ गया, उसने वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। हामिद का एक बेंच की तरफ इशारे करते हुए लेखक को कहा, वहां बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद फड़न ने लेखक का परिचय पूछा। उसे हिंदू जानकर उसने पूछा, हामिद को समझ गया कि वो आदमी एक हिंदू है। उसी समय हामिद का उसे पूछा, क्या पूछा? वो हिंदू होकर एक मुसलमान के होटल में गाना कैसे गाएगा? लेखक ने बताया कि वो एक हिंदू है, फिर भी मुसलमान के होटल में गाना कैसे गाएगा। लेखक ने बताया कि वो हिंदुस्तान में मद्रास के आगे मालाबार नामक स्थान पर रहता है। उनके यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है, उनके सामने हिंदू मुसलमान की भेद कोई नहीं है, हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है। वे बढ़िया चाय और पुलाव खाने के लिए हमेशा मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। मुसलमानों की भारत में बनी पहली मस्जिद भी उन्हीं के एक राज्य में है। मुसलमानों की बनी एक मुस्लिम मस्जिद कहाँ है? भारत में है। उनके यहाँ हिंदू मुस्लिम देखे बिना के बराबर होते हैं। हामिद का दुख। हामिद लेखक की बातों पर विश्वास ना कर सका। बोला, काश मैं आपके मुल्क में जाकर अपनी आंखों से ये सब देख सकता। हामिद ने दुख पूर्वक कहा, पाकिस्तान के हिंदू ऐसी बातें फिक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कर सकते। वे मुसलमानों को अत्याचारियों के संतान मानते हैं। वे लोग कहते हैं कि वे मुसलमानों को अत्याचारियों के संतान मानते हैं, इसलिए पाकिस्तान में रहकर उन्हें अपने सम्मान को बेचना कठिन हो जाता। तुम पाकिस्तान में रहकर तुम्हें अपने सम्मान को बेचाना कठिन हो जाता है। इसी तरह दोनों के बीच संभाषण हो गई। स्टूडेंट्स लिसन, मैं विल एक्सप्लेन मीनिंग। द मेन कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर इज यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम। इसके बटरकट का हामिद का नामक इस कहानी में लेखक हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कहते हैं। इन दिस चैप्टर नरेटर नरेट्स अबाउट इंसिडेंट विच हैड हैपेंड इन पाकिस्तान। वंस व्हाइल ही रीडिंग एसके बटरकट रीडिंग न्यूज़पेपर, ही सॉ एन आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान। दैट टाइम ही रिमेंबर्ड दैट द थिंग्स विच हैड हैपेंड बिफोर 2 years। दो साल के पहले याद उनकी याद में स्मृति उनकी याद में आ गई। वंस नरेटर वेंट टू पाकिस्तान टू नो मोर अबाउट तक्षशिला। नरेटर फेल्ट वेरी हंग्री आफ्टर रीचिंग पाकिस्तान। दैट टाइम ही सॉ ए होटल, ही इंटरेक्ट मोर विद दैट होटल एम्प्लॉई। उनका नाम क्या था? उनका नाम हामिद का। इन दैट होटल एंड कीप गुड रिलेशन बिटवीन हामिद का। दैट हामिद का शब्दार्थ विनती प्रार्थना सोधी मीटी महक गेंद परदेश दूसरा देश अदेड पक्की उम्र मुल्क देश ईमान विश्वास तस्तरी प्लेज चा शौक शुदा भूख बेपरवाही निडर होकर पुलाव पक्के चावल जालिम अत्याचारी मुहब्बत प्रेम यकीन विश्वास सनी बेरी सालन सब्जी का मसालेदार शोरबा। इसका नाम क्या था? हामिद का। बिटवीन देयर कॉन्वर्सेशन हामिद का एंड एसके पट्टेकर बिटवीन देयर कॉन्वर्सेशन हामिद का आस्क्ड द नरेटर दैट यू हैव नो इश्यूज टू ईट फूड फ्रॉम ए मुस्लिम होटल। नरेटर रिप्लाइड दैट वी आर फ्रॉम हिंदुस्तान वी हैव नो सच इश्यूज बिटवीन रिलीजियन। मेरे सामने हिंदू और मुस्लिम समान है, इसके बारे में आज हमने सीखा इस पाठ की इस कहानी के अगला अंश अगला कक्षा में पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू रीड दिस लेसन वेरी वेल एंड स्टडी क्वेश्चन आंसर्स। धन्यवाद।